स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूँ प्रेरणा। दोस्तों, आजकल हम बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको इस्तेमाल करने में हमें समय भी कम लगता है और साथ ही आसानी से इन्हें लगाया भी जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स के लिए हमें किसी भी चीज को पीस कर या फिर बाहर से जाकर लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हें लगाने के बाद भी बाल कुछ ही दिनों के लिए ब्लैक नजर आते हैं और फिर से व्हाइट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जरूरत है आपको अपने बालों पर मेहंदी अप्लाई करने की। जी हाँ, इसके इस्तेमाल से आपके बाल नेचुरली ब्लैक नजर आएंगे, साथ ही बालों में इसका रंग भी काफी दिनों तक टिका रहेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि मेहंदी में शिकाकाई मिलाकर कैसे लगाते हैं। अगर आप बालों को नेचुरली ब्लैक करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको मेहंदी के साथ शिकाकाई मिलाकर जरूर लगाना चाहिए। इसको लगाने से आपके सफेद बालों की समस्या कम हो जाएगी और साथ ही आपके बाल नेचुरली ब्लैक और शाइनी नजर आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आधा कटोरी मेहंदी पाउडर लेना है, फिर इसमें शिकाकाई को पीस कर पाउडर बनाकर ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें आंवला और रीठा को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार करना है, फिर इसे अपने बालों में ब्रश की मदद से लगाना है। अब इसे एक घंटे के लिए बालों में सूखने के लिए छोड़ देना है। अब इसके बाद शैम्पू लगाकर बालों को साफ कर लेना है। इस तरीके से आपके बाल नेचुरली ब्लैक भी हो जाएंगे, साथ ही शाइनी भी लगेंगे। चलिए आपको बताते हैं चाय और मेहंदी का कैसे करें इस्तेमाल। अगर आपको कम समय में बालों को काला करना है, तो इसके लिए आप मेहंदी के साथ चाय का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इससे आपके बाल नेचुरली ब्लैक नजर आएंगे। इसके लिए सबसे पहले टी बैग को पानी के बर्तन में डालकर उबाल लें, फिर एक कटोरी में मेहंदी ऐड करें और इसमें चाय के पानी को डालें। अब इसका पेस्ट रेडी कर लें। इसके बाद ब्रश लें और इसे अपने बालों में अप्लाई करें, फिर एक घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। मेहंदी सूखने के बाद आप अपने बालों को शैम्पू से साफ कर लें। इसके बाद इसमें किसी भी तरह का प्रोडक्ट को अप्लाई ना करें। इसका इस्तेमाल महीने में एक बार करें, आपके बाल नेचुरली ब्लैक दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली गुरु। धन्यवाद।